तो वेलकम। बहुत दिन से मेरी ब्लॉग नहीं आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, चैनल पूरा खाली खाली था। आज तीन दिन का वीकेंड मिली है, उसमें हम लोग आए हैं बीजेपी वाटर यूनिवर्सल किंगडम, जो कि बहुत ही अच्छी चेन्नई के बहुत ही बड़ा एक वाटर किंगडम है। आज इसका टूर करेंगे साथ में, होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगेगी। काफ़ी भीड़ है क्योंकि वीकेंड का समय चल रहा है, इसीलिए काफ़ी भीड़ है। देख सकते हैं बहुत आदमी आए हुए हैं और बहुत आदमी अंदर चल गए हैं। ये टिकट काउंटर है सामने में जो है, इसमें क्या होता है, ये आपको यूनिवर्सल किंगडम और यूनिवर्सल एक्वा किंगडम का है, और वो वाला जो है यूनिवर्सल मैरीन किंगडम का है, ठीक है। और अडल्ट का दाम है 695 रुपये और चिल्ड्रेन का दाम है 595 रुपये। हमारे दोस्त टिकट ले रहे हैं, वहाँ लाइन में खड़े हैं, तो फिर हम अंदर जाएंगे, तो फिर आपको अंदर की ब्लॉग भी बना के मैं दिखाऊंगा, अंदर भी आपको मैं टूर कराऊंगा। बने रहें, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। फाइनली हाथ में टिकट भी आ गई है और हमारी सेना तैयार है। हम लोग टोटल 5 जन से ही हम लोग टोटल 5 जन ही आए हैं इस बार, ज़्यादा जन आए नहीं थे। और ये मीठा और साकेत, हेलो, और बाकी ये यहाँ लाइन में है। और ये देख सकते हैं, ये सामने वाला ये एंट्री गेट है और उस साइड एग्जिट है। यहाँ हम लोग तैयार, एंट्री गेट पे लाइन लगे हुए हैं सामने अंदर जाने के लिए। तो फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि जैसा ये एंट्री के बाद ये सेक्शन आता है, ये उसका मेन एंट्री हो जा रहा है। और हमारे कुछ साथी वहाँ पे अभी भी आ रहे हैं, ये 2-3 हैं। ये दूसरा एंट्री पॉइंट है जस्ट इसके बाद, ये एक दीवार है जिससे आप लोग निकलिएगा, अंदर आइएगा, और उसके बाद अंदर आके इसके अंदर आके आपको ऐसा कुछ नज़ारा मिलेगा। और काफ़ी यहाँ आम के पेड़ हैं, ओम आम के पेड़, हम टिकोला है। अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मेंटेन में भी किया हुआ है और आज वीकेंड है तो काफ़ी भीड़ है। और वहाँ सामने में एक रियल मैन स्टैचू थे जिनके साथ बहुत मज़ा आया। आई रियली मिस माई थ्री ऑफ द फ्रेंड्स, दैट इज यश कनोडिया, हर्षवर्धन मिश्रा एंड हर्ष शर्मा, जो कि मेरे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। देखिए आर्टिफिशियल बनाया हुआ, कितना खूबसूरती नज़ारा है। हर एक चीज में कवर करने का कोशिश करूंगा जितना मैं कर सकता हूं। और ये अभी हमारा एंट्री हो रहा है पनीर फोर्ट में, जो कि जहां से एक्वा किंगडम, एक मैरीन, ये सब राइड सब स्टार्ट होती है। और इसका भी आप मैं आपको दिखा दूं, ये पनीर फोर्ट का मेन एंट्री है जो कि जस्ट आने वाले एंट्री के जस्ट सामने में है।
गेट्स लेट इंटर इनटू पनीर फोर्ट। एक राइड है टॉप गन जो कि अभी बंद है, मे बी हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, ये खुलेगा। और ये इसका लास्ट राइड का टाइम है 5:45 PM। जैसे ही खुलेगा हम लोग ये करेंगे। ये अबव 145 सेंटीमीटर दूर तक जाती है। और ये रोलर कोस्टर हो गई। मैं सब राइड पे आप लोग को ले जाने का कोशिश करूँगा अगर ये वर्क करेगी तो। जितना हो सकता है उतना कवर करने का कोशिश करूँगा। ये सामने C3 डिनर हो गया और ये कुछ वाटर राइड हैं। अभी पूरी अच्छी तरह से खुली नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी आ गए हैं, इसलिए अभी ये पूरी खुली नहीं है। जैसा कि बोला जा रहा है कि 12 बजे 12:30 बजे तक सब राइड अच्छे से खुलेंगे। अभी आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा ही हो रहा है। अगर सही टाइम आप आना चाहते हैं तो, मतलब सही इंजॉय करना चाहते हैं, कैंटीन सब भी नहीं खुली है, तो आप आराम से आइए 12 बजे 11:00 12:00 बजे तक आइए। हमारे अनिमेश भाई यहाँ पे बैठे हैं। क्या बात अनिमेश, बैठ क्यों गया? नहीं भाई, राइड नहीं दिख रही है। राइड सब वो सब राइड बंद ही दिख रही है। अच्छा, आज जबकि संडे है फिर भी बंद चल रही है क्या? अच्छा कोई नहीं, हम लोग लगता है हम लोग जल्दी आ गए। दोस्त को राइड अभी काम कर रही है तो हम लोग अभी वहाँ जाएंगे। ये देखिए सब कैसे वो हो रहे हैं, उत्साहित है मेरे दोस्त। तो फाइनली हम लोग एक राइड पे बैठे हुए हैं, देखते हैं ये राइड में कितना मजा आता है। आई थिंक मजा तो बहुत आएगा। सब बैठ चुके हैं, ये राइड हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ओम हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। काफ़ी मज़ा आ रहा है ये राइड पे, और अभी ज़्यादा स्पीड नहीं हुई है। जैसे ही स्पीड होगी फिर देखते हैं कैसा लगता है एक बार जब स्पीड हो जाए। और मेरे दोस्त सबको भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अभी अपन लोग जा रहे हैं रोलर कोस्टर पे। सबका एक्साइटमेंट देख लीजिए कितना है। ये है काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी देखते हैं अगर सीट मिल गई तो। ये हमारी गाड़ी भी निकल पड़ी है, देखते हैं कितना मजा आता है। मजा तो काफी आने वाला है। ये देखिए रोलर कोस्टर का फुल ट्रैक। रोलर कोस्टर में सब सही कहते हैं, रोलर कोस्टर में मज़ा बहुत आता है। तो सही में रोलर कोस्टर पे मज़ा बहुत आया, काफ़ी एंजॉय किया मैंने। और अभी हम लोग दूसरे राइड पे चलेंगे, देखते हैं कुछ और राइड अगर खुले मिले तो वहाँ पे राइड करेंगे। तो ये हमारा दूसरा राइड है, दूसरा राइड हम ये करने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ भी हर बार मैं ही अकेला हो जा रहा हूँ क्योंकि हम लोग बस 5 जन 5 जन आए। वी हैव केम अक्रॉस ओनली 5 पीपल। दूसरे राइड पे आ चुके हैं। ये राइड का क्या नाम है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी जो भी मिल रहा है सब पे बैठ के चलना है, सब राइड कंप्लीट करके जाना। और सब राइड आप लोगों को मैं वर्चुअली मिलाऊंगा, सब राइड में आप लोगों को वर्चुअली करवाऊंगा। और इस बार मैं अकेला नहीं बैठा हूँ, बालक देश पांडे मेरे साथ बैठ रहा है इस बार। मीट देश पांडे। हेलो गाइस। और अभी आगे बहुत भी जाना, अभी तो ये स्टार्टिंग है, ये दूसरा ही राइड हुआ है शुरू। इन्जॉय कीजिए BJP को पूरी अच्छी तरह से, जितना होगा उतना मैं आपको कवर करके दूंगा। This is the some beautiness of this ride.
कितनी हैवी मशीन, कैसे ये लोग बनाते हैं। और इसके बगल में जो जेंट व्हील है, यहाँ भी हम लोग जाएंगे। देश पांडे, जेंट व्हील जाने का क्या इरादा? जेंट व्हील चलेंगे, जाएंगे ना सब जगह, जाएंगे सब जगह जाएंगे। देश पांडे व्हील पूरा फॉर्म है, बीजेपी, वेलकम टू बीजेपी। और हेयर द राइड्स बिगिन। और हम लोग घूम रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। काफी मजा आ रहा है, मैं जानबूझ के कैमरा रोटेट कर रहा हूँ ताकि आप जब देखें तो आप लोग को अच्छा लगे। वो देखिए, एक और ब्लॉगर मेरे सामने में बैठा हुआ है। यो यो, आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोग को बहुत जगह घुमाऊंगा जितना हो सकता है उतना। और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, वो करना ना भूलें, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने धूप है। हर धूप में भी कोशिश रहती है मैं आप लोग को करूं, और मैं जानता हूं इधर मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब कंटिन्यू रहेगी, मे बी एक वीक और मैं इसे करूं, लेकिन उसके बाद मैं कंटिन्यू रखूंगा अपना। ये राइड को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्कैम हो गया था हमारे साथ। हमें पता चला कि हम ऊपर ही नहीं उठ रहे थे, सब ऊपर उठ रहा है। हाँ, यहाँ बटन दबाने से आदमी ऊपर उठ जाता है, बताइए। को पता ही नहीं चला, अब ये पता चल रहा है। ये गियर है, ये देखिए गियर लग गया, ये जो न्यूट्रल हो गया, ये भी करेंगे। ये जो है देश पांडे के हाथ में, ये जो देख रहे हैं ये हरा बटन, इससे हम लोग ऊपर भागेंगे। तो ये राइड के साथ स्कैम हो गया था, ये राइड कम्प्लीट हो गया, अब दूसरे राइड की ओर बढ़ेंगे। ये राइड में हमें पता नहीं था कि बटन दबाने से हम लोग ऊपर उठ जाएंगे, बटन छोड़ने से हम लोग नीचे आ जाएंगे, समझे। प्रेजेंट पे फोकस करो भाई। सो अभी हम लोग आए हैं, जेंट व्हील पे जाएंगे। कितना बड़ा जेंट व्हील है, देखते हैं कितना मजा दिलाता है। तो फाइनली हम लोग बैठ गए हैं, और ये देखिए ऊपर जा रही है जेंट व्हील।
सब कुछ राइडें थी जो मैंने आपको दिखाई। और अभी हम लोग वाटर पार्क जाएंगे, इसी का जो एक्वा वाला पार्ट आता है वहाँ भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे भी आप लोग घुमाएंगे उसे।